दोस्तों आज साउथ इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भैया अब नहीं बख्शा जाएगा पायरेसी करने वालों को, यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री के इन दो स्टाइलिश सुपरस्टार्स ने अब मन बना लिया है कि वो मुंहतोड़ जवाब देंगे पायरेसी करने वाले अपराधियों को। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के इन दो स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि महेश बाबू और अल्लू अर्जुन से। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों महेश बाबू और अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, यानी कि भैया महेश बाबू अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सरकारू वारी पाटा को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं। तो वहीं पर अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पुष्पा के पार्ट वन को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। और भाई उनको लेकर तो ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया उन्होंने पुष्पा के पार्ट टू का काम भी शुरू कर दिया है, यानी कि भैया ये दोनों कलाकार इन दिनों अपनी आने वाली इन फिल्मों के शूट में काफ़ी व्यस्त हैं। और इन्हीं फिल्मों के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि जिसकी वजह से इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो काफी परेशान हो गए हैं पायरेसी करने वालों से। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी खस्ता हालत में आ चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, यानी भैया कई सारी फिल्मों को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने लगातार आती ही रहती है कि भैया कोरोना वायरस की वजह से उन फिल्मों का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और भाई जो फिल्में कंप्लीट भी हो गई हैं वो कोरोना वायरस की वजह से सिनेमाघर में अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि भैया अभी भी सिनेमाघर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं खुल पाए हैं इंडिया में। और भाई जो फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हो रही हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी हो रही हैं तो भैया उन फिल्मों का जो पायरेसी है वो कुछ ही घंटों के अंदर में हो जा रहा है, जिसकी वजह से इन फिल्म्स के मेकर्स को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। और भाई इसी बात को लेकर लगातार बॉलीवुड से कहें या फिर साउथ इंडस्ट्री से कहें ये आवाजें उठ रही हैं कि भैया अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पायरेसी करने वालों को, यानी कि भी अब साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने यह मन बना लिया है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे जो कि भैया उनके फिल्मों का पायरेसी कर देते हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सलार के शूटिंग वाले लोकेशन से कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो लीक हुए थे जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहे थे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई इसी तरह की घटना जो है वो महेश बाबू की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सरकारू वारी पाटा के सेट पर भी हुई थी, और उसी के साथ ही अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पुष्पा के सेट से भी लीक हुई थी। यानी कि इन फिल्मों के शूटिंग के सेट से कई सारे पिक्चर और कई सारे वीडियोस लीक हुए थे, जिसके माध्यम से इस फिल्म के मेकर्स ये बात सबके सामने रख रहे हैं कि भैया उनके फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियां लोगों के बीच में लीक की जा रही है पायरेसी के माध्यम से। यानी कि सरकारू वारी पाटा की टीम ने एक लेटर जारी करते हुए इस बात की जानकारी उन लोगों को दे दी है जो कि भैया इन दिनों पायरेसी को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि सरकारू वारी पाटा की टीम ने अपनी लेटर में यह बात सबके सामने रखी है कि भैया हाल में ही हमारी फिल्मों से जुड़ी हुई चीजों के ऑनलाइन लीक होने से हम काफी परेशान हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हमने इसके खिलाफ साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। अपराधियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कृपया पायरेसी को बढ़ावा ना दे। यानी कि भैया इस लेटर के माध्यम से उन लोगों को यह संकेत देने की कोशिश की गई है जो कि भैया इन दिनों पायरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया जो लोग पायरेसी को बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर लगाम लगना चाहिए कि नहीं, और ऐसे लोगों को हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।